26/11/2008 में आतंकवादियों के हमले से मुंबई में एक दहशत सी फैल गई थी और अब सागर से होते हुए कोलाबा पहुंचे आतंकवादियों ने 26 सितंबर 2008 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल पैलेस, ओब्राय, नरीमन हाउस जैसे मुंबई के कुछ जगहों को अपने आतंक के निशाना बनाया था। उस वक्त 10 आतंकवादियों ने 60 घंटे के अंदर 166 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। इस हमले को बीते हुए 4 वर्ष हो गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जिहाद अगेंस्ट एट्रोसिटीज एंड टेररिज्म के सौजन्य से 26/11 में शहीद हुए पुलिस नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद का निषेध करने के लिए अंधेरे में विराजन सभा का किया गया आयोजन। और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री हाजी हैदर आजम थे, वही आयोजक श्रीमती सायरा पटेल थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह संस्था ने मुंबई करों से अनुरोध किया कि हजारों की संख्या में इस विराट जनसभा में भाग लेकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करे और देश से आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प ले। हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करते हैं, उसका मतलब होता है निजात। तो हम आज हमारे देश पे हर तरह से हमले होते रहे हैं, आतंकवादियों का हमला होता रहा है, तो हम उससे निजात किस तरह से हासिल करें, तो इसीलिए हमने इस संस्था का नाम निजात रखा है ताकि हम आतंकवाद से लड़ के इससे हमको निजात मिल सके। जनसभा रखने का मेन उद्देश्य क्या है? 26/11 पे हम लोग ये 4 साल से जनसभा रख रहे हैं। हर साल हम लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं कि उन लोगों ने अपनी कीमती जानों पे खेल के अपने देश को रक्षा करते हुए अपनी जान दी। और इस तरह से हमको एक दिली सुकून मिलता है कि भाई हम उनके लिए कुछ तो कर तो नहीं सके, कम से कम एक श्रद्धांजलि के जरिए उनको रूह को सुकून देना चाहते हैं। अब लोगों को कैसे जागरूक करना चाहते हैं? हम लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई आज 26/11 का हुआ हादसा, आज ये हादसा किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है, तो इससे हम लोग इससे जो जागरूक रहे ताकि हर कहीं भी किसी भी जगह कोई भी ऐसी एक्टिविटीज देखे तो आप बाखबर रहे कि भाई लोगों को, पुलिस को और ये करें कि भाई इस आतंकवाद का अगर कुछ मुकाबला करना तो हम सब एकजुट होकर कर सकते हैं और अकेले ही सिर्फ पुलिस के ही हवाले कर दिया जाएगा वैसे तो नहीं हो सकता, हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। आतंकवाद पर ही आप आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे और गुनाह है जो आप उसके भी आवाज उठाएंगे? आज आतंकवाद जो बहुत सारे गुनाह है जिसके खिलाफ तो हम लड़ भी सकते हैं, लेकिन ये आतंकवाद जो बाहर से आया हुआ है हमारे देश में और हमको सब जहाँ पे सब मिलकर लड़ाई लड़ना होता है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसके लिए हमको देश के लोगों को, सभी अपने धर्म के लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक सब बहुत सारी इसका मुल्क है, सब बहुत सारे कम्युनिटीज आज सब लोग रहते हैं इसमें, तो इस तरह से हम जब आवाज़ उठाएंगे तो हम सब मिलकर कर लड़ेंगे तो ही इसका खात्मा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम निकले। अब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस निजात के जरिए तो संदेश देना चाहते हैं, भाई आज तक जितने भी हो चुका है लेकिन अब हिंदुस्तान में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद वाले जो है वो भी ये समझ लें कि भाई हिंदुस्तान जागरूक हो चुका है, एक हो चुका है, वो आपस में लड़के अपनी अपनी जो ताकत है गंवाएंगे नहीं, वो उसको अपने इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब मुंबई वासियों को क्या संदेश देना चाहते? मुंबई वासियों को देना चाहते कि उन्होंने बहुत डट के 26/11 का मुकाबला किया, उन्होंने 3 दिन तक बहुत कुछ सहा, बर्दाश्त किया, उन्होंने एक एक पल पल की मतलब रिपोर्टें लिए दी है और उनके लिए आंसू बहाए, लोगों के लिए दुआएं किए, तो ये संदेश देना चाहूँगी आज जिस तरह हम एक साथ मुंबई एक हो जाती है, हर 26/11 हो चाहे 26 जुलाई हो या ऐसे हर जो भी आफत मुसीबतें आती है मुंबई पे, तो उस वक्त मुंबई एकता और एकजुट उठ के खड़ी हो जाती है। मैं यही संदेश, आइंदा कभी ऐसा हो तो फिर एकजुट हो जाए। सबसे पहले तो मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि इसका जो मेन जो टेररिस्ट एक बच गया था इस मुल्क के अंदर, उसको फांसी हुई, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं और हुकूमत को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो 166 लोग इस मुंबई शहर में मारे गए थे, कम से कम उनके दिल को खुशी हुई। हर इंसान अपना बदला चाहता है, वो बदला यहाँ के लोगों को मिला और ये मेरा चौथा इस जो 26/11 का फंक्शन होता है इसमें मैं चौथी बार आया हूँ और आज जो निजात के तहत फारूक आजम साहब, मोहम्मद पटेल, सायरा पटेल, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज 4 साल से रख रहे हैं और मैं पूरे 4 साल से इस सभा में आता हूँ और मैं वक्त निकाल के मैं बाहर भी होता हूँ, तो इसके लिए आज की तारीख को मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूँ।
कि मैं ऐसे मैं अगर आगे इस ऐसे प्रोग्राम में शामिल होता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने कुछ किया इस मुल्क के लिए। देखिए आतंकवाद एक ऐसा ये कैंसर से भी बुरा मोर्स है, इसमें हर इंसान को अपने तरीके से सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ये बाहरी आदमी है, डाउट होता है कि आदमी कुछ दिखा हुआ नहीं है, कोई बाहर मुल्क से शक होता है, तो फौरन पुलिस को खबर करना चाहिए और सबको अलर्ट रहना, क्योंकि ये मुल्क जो है इसमें एक एक बच्चे बच्चे को सपोर्ट करना, ये काम सिर्फ पुलिस या गवर्नमेंट का ही नहीं है, इसमें हमारा भी काम है, हम सब का काम है और हम सबको मिल के आतंकवाद की लड़ाई लड़नी है। मुंबई वासियों को ये मैसेज दूंगा कि उन्होंने हमेशा बहादुरी से काम लिया है, जब भी मुंबई शहर पे कोई ऐसी आफत आई है तो सारे लोगों ने, छोटे से बड़े लोगों ने अपनी हिम्मत अफजाई से इस मुंबई शहर का सामना किया है, तो ऐसी कभी भी नौबत है, हिम्मत से काम लें, सरकार की मदद करें और पुख्तागिरी से आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दें।